Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am here again today to continue the chapter we were studying before. Okay, so we just did some of the word meanings the previous day, but now we will continue doing them. I have written them for you. आप मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिखे हैं, आप लोग इनको अपनी कॉपीज पे कॉपी करेंगे, ठीक है? एंड देन आई चेक व्हेन यू विल इंशाल्लाह कम बैक. फाइन, ओके. सो फर्स्ट वर्ड आई हैव रिटन इज वंडर. टू थिंक क्यूरियसली, कि किसी भी चीज को वंडर करना, यानी कि किसी भी चीज को इम्पेशेंटली और मतलब कि बेसब्र होके और उसके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाना और आपको समझ ना आ रही हो कि आपको क्या वो चीज़ क्या है. सो इम्पेशेंटली किसी भी चीज़ को सोचना इज कॉल्ड वंडर, ठीक है? द नेक्स्ट वर्ड इज टॉयज, टी ओ आई एल ई डी, टॉयज. वर्क हार्ड, कि मेहनत करना, ठीक है? द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लीक, बी एल ई ए के, ब्लीक. डार्क, अनहैप्पी. कोई भी चीज, डार्क का मतलब है कि कोई भी चीज अंधेरे में होना, मतलब कि समझ में ना आना कि वो काम कैसे हो रहा है. जैसे हमने पोएम में पढ़ा था कि जब पोएट ने सुबह उठ के नमाज नहीं पढ़ी थी, तो जब शाम को उसको अपने काम, अपने टास्क कंप्लीट करा था, तो सब कुछ बहुत डार्क था और ही वॉज फीलिंग अनहैप्पी. तो मतलब कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने टास्क को कैसे कंप्लीट करे, ठीक है? ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज सीक, टू गो इन सर्च. सीक का क्या मतलब होता है? कि किसी चीज को ढूंढना, ठीक है? किसी चीज को हासिल करना, मतलब किसी चीज को हासिल करने के लिए सर्च करना, ठीक है? चाइल्डेड, स्कोल्डेड, यानी कि किसी को गुस्सा करना, किसी की बेइज्जती करना. नो, नॉट बेइज्जती इन रेफरेंस टू दिस पोएम. हम अगर पोएम में बात करें तो अल्लाह ताला ने उसको पोएट को जेंटली स्कोल्ड किया था, यानी अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे से नाराज नहीं होते, ठीक है? अल्लाह ताला ने उसको एक चीज समझाई थी कि कल तुम मेरे पास, तुमने नमाज नहीं पढ़ी इसलिए तुम्हारे काम नहीं हुए. तो अल्लाह ताला इन रेफरेंस टू दिस पोएम, हम अल्लाह ताला ने जेंटली का क्या मतलब होता है? सॉफ्ट तरीके से, बहुत आराम से किसी को करना. जैसे अगर आपके कभी मामा, आप अगर कोई काम कंप्लीट नहीं करते टाइम पे, अगर आप होमवर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं करते, आपकी मामा आपको आराम से समझाती हैं, आपको कहती हैं कि काम क्यों नहीं किया तुम लोगों ने. सो दैट इज अ लिटिल सॉफ्ट वॉइस ऑफ योर मामा, ठीक है? यानी कि वो आपको आराम से समझा रही होती है. क्लियर? ओके, सो आई होप आप लोगों ने अभी नोटबुक्स पे लिख लिए होंगे. अगर आपने नहीं लिखे तो आई वेट, आप लोग इसको कंप्लीट करें. द फर्स्ट वर्ड इज वांडर, डब्ल्यू ओ एन डी ई आर, वांडर. सेकेंड वर्ड इज टॉयल, टी ओ आई एल ई डी, टॉयल. थर्ड वर्ड इज ब्लीक, बी एल ई ए के, ब्लीक. फोर वर्ड इज सीक, एस डबल ई के, सीक. फिफ्थ वर्ड इज चाइल्डेड, सी एच आई डी ई डी, चाइल्डेड. फाइन, आई होप आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक्स पे कंप्लीट कर लिया होगा. अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें, मैं आपको वहां पे इसकी पिक्चर लेके मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? ताकि आप लोगों को अपनी नोटबुक्स में लिखने में आसानी हो. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग अवर वर्ड सेंटेंसेस, ठीक है? एक वर्ड है हमारे पास, हमने उसको किस अपने कोई भी हमने सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस में हमने उस वर्ड को लेकर आना है, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज अकम्प्लिश. अकम्प्लिश का क्या मतलब था? कि किसी भी चीज को कंप्लीट करना सक्सेसफुली, ठीक है? ओके, ही अकम्प्लिश हिज डेली टास्क ऑन टाइम, के कोई मतलब ही वो अपने काम रोजाना अपने काम टाइम पे करता है, अपने काम सक्सेसफुली रोजाना वो टाइम पे करता है, ठीक है? दिस सेंटेंस हैज दिस मीनिंग. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज प्रे, पी आर ए वाई, प्रे. द
सेंटेंस इज वी शुड प्रे 5 times a day. हमें 5 वक्त अल्लाह ताला के आगे सजदा करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए 5 times. ओके, द थर्ड वर्ड इज पॉज्ड, PAUSED, पॉज्ड. I paused my task to pray. इसका इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि मैं अपने काम को रोक देता हूँ. पॉज का क्या मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देना और फिर उसको कंटिन्यू करना. ठीक है, तो दिस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस दिस मीन्स कि अब कि जो मैं अपने काम, अपने टास्क को पॉज कर देता हूँ टू प्रे, नमाज पढ़ने के लिए मैं अपने टास्क को पॉज कर देता हूँ. ठीक है, द फोर्थ वर्ड इज प्रेजेंस, PRESENCE, प्रेजेंस. आई कंप्लीटेड माई होमवर्क इन द प्रेजेंस ऑफ माई मदर. प्रेजेंस का क्या मतलब है, मौजूदगी में. ठीक है, कोई मौजूद हो. सो द सेंटेंस इज मैंने अपना होमवर्क अपनी मामा की मौजूदगी में कंप्लीट किया. ठीक है, द फिफ्थ वर्ड इज सीक, वी सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह ऑलमाइटी. हम अल्लाह ताला से फॉरगिवनेस का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस, कि अल्लाह ताला से माफी मांगना. ठीक है, अल्लाह अपने गुनाहों की माफी मांगे, तो हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं. सो दिस इज द लास्ट सेंटेंस. देर आर 5 words, हमने 5 words के सेंटेंसेस बनाए. ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इज एक्सेप्टेंस, ACOMPLISH, accomplish. The second word is pray, PRAY, pray. Third word is paused, PAUSED, pause. किसी चीज के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाना और फिर उसको कंटिन्यू करना. Presence, PRESENCE, presence. This means किसी की मौजूदगी. Seek, SEEK, यानी कि सर्च करना, कोई चीज ढूंढना, मांगना. ठीक है, ओके, सो वी आर डन विद द सेंटेंसेस नाउ. और मैं यहाँ पे वर्ड्स लिखूंगी आपकी डायरी में और आपने उनको डिक्शनरी से सर्च कर
करके अपनी नोटबुक्स में आज होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है? ओके, आई एम राइटिंग द वर्ड्स. Lovingly, lovingly, lovingly. आपने इसका इस वर्ड का मीनिंग सर्च करना है अपनी डिक्शनरी में. द नेक्स्ट वर्ड इज accomplish. Wanted and childed. Okay, आप लोगों ने इनके इन वर्ड्स को सर्च करना है डिक्शनरी में. You have to write them down. और that's it. Okay, this is it for today. And I hope आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे, you can ask me in the group. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें.